सो दोस्त नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और आज के रेफरेंस में आप लोगों को कक्षा 8 का ये जो मॉडल पेपर है त्रैमासिक परीक्षा वाला, यानी कि 3 महीने में जो कराया जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। ये गृह विज्ञान का मॉडल पेपर है, ठीक है, ये अपने गोरखपुर क्षेत्र का यानी कि यूपी बोर्ड का ही है। तो चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। इसमें कुछ 6-7 प्रश्न दिए गए हैं जो कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, 20 का पूर्णांक दिया गया है। तो इसमें से जो आपका 6 क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है सभी करना अनिवार्य है। तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। अगला पर है खसरे का टीका किस वर्ष की आयु में लगाया जाता है। यहाँ पर एक एक मतलब प्रश्न में दो दो तीन तीन क्वेश्चन हैं। तो पहला जो है यहाँ तक हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा, पर्यावरणीय स्वच्छता में कौन कौन सी सफाई आती है, ठीक है। ये दो नंबर दूसरा मतलब दो प्रश्न बन गए यहीं पर। और फ्यूमिगेशन विधि से किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। खसरे का टीका किस वर्ष की आयु में लगाया जाता है। तो ये जो होता है 9 महीने से लेकर 15 वर्ष की आयु तक लगाया जाता है खसरे का टीका, ठीक है। इसका आंसर ये मिल गया आपको। अब आता है पर्यावरण स्वच्छता कौन कौन सी सफाई आती है। पर्यावरण स्वच्छता में आपका हो गया है, ठीक है, हवा, पानी, गंदगी, कचरा, भाप आदि का उचित समाधान करना ही आवश्यक होता है, ठीक है। यह सफाई मतलब इसके अंदर यह सफाई होती है। हवा, पानी, गंदगी, कचरा, ये सभी का सफाई पर्यावरण के अंदर ही आता है। और उसके बाद से है फ्यूमिगेशन विधि की किस चीज़ का प्रयोग होता है करते हैं, किस चीज़ में प्रयोग करते हैं। तो फ्यूमिगेशन विधि का मतलब आपको छिड़काव करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है फ्यूमिगेशन का। अब 2 नंबर का प्रश्न जो है ये वाला, डेंगू बुखार का के कोई चार लक्षण लिखिए खाद्य पदार्थ में मिलावट से स्वस्थ है। अब यहाँ पर डेंगू बुखार के 4 लक्षण लिखिए, एक प्रश्न आपका यहाँ पर हो गया है। और दूसरा स्टार्ट होता है खाद्य पदार्थ में मिलावट से स्वस्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये 2 प्रश्न, 2 नंबर में भी 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। डेंगू बुखार के 4 लक्षण क्या है। तो ये है जो पहला लक्षण है, सिर मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द होता है इस डेंगू होने पर। आँखों के पिछले भागों में भी दर्द होता है, 2 नंबर यह हो गया इसका कारण। 3 नंबर है आँखों को हिलाने पर, यानी कि आँखों को जब हिलाते हैं या फिर बंद करते हैं तो भी उसके पिछले भाग में दर्द होता है। और 4 नंबर जो आपका है, शरीर पर लाल दंदोरे का होना, यानी कि शरीर पर लाल दंदोरा भी हो जाता है, इसके यही लक्षण है डेंगू का होना, ठीक है। 4 लक्षण हो गए। अब आते हैं खाद्य पदार्थ में मिलावट के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो होगा, मिलावटी आहार का उपयोग से शरीर पर दूसरे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मिलावटी आहार जब आप खाएंगे तो शरीर पर आपको बहुत ही बुरा यानी कि गलत प्रभाव पड़ेगा, जैसे साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, उस तरह से आपको कई सारी बीमारियाँ हो जाएंगी और अन्य भी बीमारियाँ, अन्य भी परेशानियाँ होने लगेंगी आपको। आता है 3 नंबर पर, पर्यावरणीय स्वच्छता में कौन कौन सी सफाई आती है। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, हवा, पानी, गंदगी, कचरा, कूड़ा, ये सभी का इसी के अंतर्गत सफाई आता है, ठीक है। अब आता है 4 नंबर, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए का टीका लगाया जाता है, मतलब किस किस चीज़ का टीका लगाया जाता है, कौन सा टीका, ठीक है। तो ये जो होगा, इसका जो टीका लगाया जाता है DPT नाम है इसका, DPT। अब हिंदी में DPT आप कैसे लिखोगे, DPT, ठीक है, DPT इस तरह से लिखा जाएगा, इस पर भी मंत्र है DPT। और अब आता है 5 नंबर, विश्व मलेरिया दिवस को कब मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को, ठीक है, सोमवार 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 6 नंबर है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं में मुकाबला करने की शक्ति नहीं होती है। और परीक्षण विधि का मुरब्बा जैम एक जेली बनाकर सुरक्षित रखते हैं। ये 2 प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 6 नंबर और 7 नंबर, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं के मुकाबला करने की शक्ति होती है या फिर नहीं, ये आपको बताना है। परीक्षण विधि द्वारा मुरब्बा जैम एक जेली बनाकर सुरक्षित रखें, इसको भी आपको बताना है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह से और भी वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा आप चैनल पर। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं अगले वीडियो।